जी हाँ दोस्तों, इस 15 अगस्त 2024 यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे केंद्र सरकार की तरफ से सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों बता दें कि इस बार 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर आपके स्कूलों में झंडा नहीं फहराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि 15 अगस्त पर कुछ ऐसे नए कानून और नए नियम जारी किए गए हैं, अगर दोस्तों आप इसे नहीं जानेंगे तो आपको सजा तो होगी ही, साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं आखिरकार कौन कौन से नए नियम हमारे 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने जारी किया है, जिसके बारे में आपको जानना और सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं कि आखिरकार 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन से सख्त नियम हमारे केंद्र सरकार जारी किए हैं, और इसके बाद आगे आपको बताएंगे कि इस बार हमारे 15 अगस्त पर झंडा क्यों नहीं फहराने का आदेश दिया गया है। तो फ्रेंड्स बता दें कि सबसे पहले हमारे केंद्र सरकार ने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे भारत की सरकार ने सभी जगहों पर कूड़ा कचरा इकट्ठा न करने का फैसला किया है। अगर दोस्तों कोई भी सड़कों पर कूड़ा कचरा इकट्ठा करेगा तो उसको जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही साथ उसको जेल भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका झंडा होता है यानी कि जो इंडिया का शान हमारा झंडा है, अगर दोस्तों आप उसे इधर उधर फेंक देंगे तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो आपके पुराने स्कूल है जो काफी दिनों से बंद पड़े हैं, उस पर आपको झंडा बिल्कुल भी नहीं फहराना है, क्योंकि ये हमारे केंद्र सरकार का सख्त आदेश आया है। दोस्तों बता दें कि अब से आपके स्कूलों में झंडा न फहरा करके बल्कि आपके घरों में आपको झंडा फहराना होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे केंद्र सरकार ने इस बार का इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस कुछ खास स्पेशल मनाने वाले हैं। और दोस्तों बता दें कि जैसे ही हमारे दिल्ली के लाल किले पर इस बार इंडिया का झंडा फहराया जाएगा, वैसे ही सेम टू सेम अपने घरों पर सभी लोग झंडा फहराने का आदेश हमारे केंद्र सरकार ने दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि इस बार हमारे इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे केंद्र सरकार ने ये सभी को सख्त आदेश और नए नियम जारी किए हैं। भले ही दोस्तों आपको स्कूलों पर झंडा नहीं देखना होगा, लेकिन आपके घरों पर आपको झंडा दिखाना होगा, क्योंकि ये हमारे केंद्र सरकार ने आपके लिए आदेश किया है। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हर घर झंडा आपको इस बार देखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सजा भी हो सकती है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी औरों के पास पहुंच सके, ताकि वो भी आज की इस बड़ी खबर की वीडियो से अपडेट हो सके। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।